अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी इस टॉपिक को, इस पूरे टॉपिक को कराने वाला हूं। ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं? अब देखो, जर्नल में हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस साल भर में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इससे क्या होगा, खुद ही सोचो, जर्नल कितनी ज्यादा मोटी हो जाएगी, जर्नल कितनी वॉल्यूमिनस हो जाएगी, राइट? तो टू अवॉइड मेकिंग द जर्नल सो वॉल्यूमिनस, हम लोग जर्नल को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग जर्नल को 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वो 8 कैटेगरीज अभी मैं बताऊंगा और उसके बाद समझाऊंगा कि उनमें डिवाइड करने का लॉजिक क्या है। लॉजिक इनफैक्ट आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना समझो कि जर्नल को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड मेकिंग जर्नल वॉल्यूमिनस। ठीक है, जर्नल को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी है? सबसे पहली है कैश बुक, ठीक, कैश बुक। दूसरा परचेजेस बुक, दूसरा है आपका परचेजेस बुक। तीसरा है आपका परचेजेस रिटर्न बुक। चौथा है आपका सेल्स बुक। फिर आती है आपकी सेल्स रिटर्न बुक। फिर आती है बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। फिर बिल्स पेबल बुक। और आठवीं आती है आपकी जर्नल प्रॉपर। ये 8 कैटेगरीज होती हैं। तो देखने से काफी हद तक तो समझ में आ रहा होगा, कैश बुक, इन 8 बुक्स को बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, ये सारी होती जर्नल का पार्ट है, लेकिन इनको अलग अलग पार्ट्स में सिर्फ इसलिए डिवाइड किया गया ताकि एक अकेली जर्नल बहुत ज्यादा मोटी ना बन जाए। ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो, एक एक करके चलते हैं। कैश बुक में जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे यहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, कैश बुक, जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब चाहे वो कैश सेल हो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय कैश हो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय कैश हो, कैश से रिलेटेड कुछ भी हो, आपने एसेट खरीदा कैश में पेमेंट किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, आपने एसेट बेचा कैश में पेमेंट, कैश मिला है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, आपने गुड्स खरीदे कैश में पेमेंट किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, आपने गुड्स बेचे कैश में पैसा मिला है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो कैश के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। ठीक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, डन। फिर आता है हमारा परचेजेस बुक। परचेजेस बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड की जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस, ऑल
क्रेडिट परचेजेस, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड की जाएंगे। हमें पता है कि परचेज हम लोग सिर्फ तभी यूज करते हैं वर्ड जब हम गुड्स खरीदते हैं विच आर मेंट टू बी सोल्ड फर्दर, ठीक है। तो अगर हम गुड्स को क्रेडिट में परचेज करेंगे सिर्फ तभी हम लोग परचेजेस बुक में नोट करेंगे, और कैश परचेजेस कहां रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में, ठीक है ना। परचेजेस क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट परचेजेस जो है वो तो परचेजेस बुक में रिकॉर्ड होंगी, और कैश परचेजेस कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, परचेजेस रिटर्न। तो ऑल रिटर्न्स ऑफ क्रेडिट परचेजेस, आपने जो माल क्रेडिट पे खरीदा था अगर उसे आप रिटर्न करते हो तो आप परचेजेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। आपने जब माल परचेज क्रेडिट पे खरीदा तो आपने क्या जर्नल एंट्री की होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, ठीक है। जब आप उसको वापस कर रहे हो माल को तब आप क्या जर्नल एंट्री करोगे? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। तो ये वाली जो एंट्री है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, इसको आप परचेजेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। कैश परचेजेस की रिटर्न कहां रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। क्यों? क्योंकि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश आपने तब किया होगा जब आपने कैश में खरीदा होगा माल। अब जब आप माल वापस दे रहे हो तो सप्लायर आपको पैसा भी दे रहा है, सप्लायर आपको पैसा दे रहा है तो कैश का ट्रांजैक्शन है, कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो परचेजेस रिटर्न बुक में सारे के सारे क्रेडिट परचेज को अगर आप रिटर्न करते हो तो वो वाले ट्रांजैक्शन परचेजेस रिटर्न बुक में आएंगे, डन। सिमिलरली सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स, सेल्स बुक में सारी की सारी क्रेडिट सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैश सेल्स वाले सारे ट्रांजैक्शंस कैश बुक में जाएंगे। सेल्स रिटर्न बुक में ऑल रिटर्न्स ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल को अगर आप रिटर्न करते हो आपको रिटर्न मिलता है क्रेडिट सेल का, अगर आपके पास कुछ रिटर्न आता है तो आप उसे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और अगर कैश सेल वाली रिटर्न होती है तो वो कैश बुक में जाएगी, सिंपल है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल हम लोग बाद में समझेंगे कि ये होते क्या है। तो जाहिर सी बात है बिल्स रिसीवेबल के सारे ट्रांजैक्शंस बिल्स रिसीवेबल बुक में आएंगे, बिल्स पेबल के सारे ट्रांजैक्शंस बिल्स पेबल बुक में आएंगे, लेकिन ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या है इसको हम लोग सीखेंगे बाद में, तो जब सीखेंगे तब देखा जाएगा। फिर आते हैं हमारी जर्नल प्रॉपर। तो ये ऊपर के सात बुक्स में अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं जा पा रहा है तो वो जर्नल प्रॉपर में आ जाता है। रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऊपर की सात बुक्स में नहीं आ पा रहा है तो वो जर्नल प्रॉपर में आ जाता है। जैसे फिक्स्ड एसेट उधार पे खरीद लिया, उधार पे फिक्स्ड एसेट खरीदा तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू जहां से भी खरीदा, वेंडर मान लो उसको। सपोज मैंने रणवीर सिंह से कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा तो मैंने जर्नल एंट्री क्या पास की? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रणवीर सिंह। अब ये क्या कैश ट्रांजैक्शन है? ना, तो ये कैश बुक में तो नहीं जाएगा। क्या ये परचेज है? परचेज मतलब क्या ये गुड्स की परचेज है? नहीं, तो ये परचेजेस बुक में नहीं जाएगी। परचेजेस रिटर्न नहीं है, सेल बुक में नहीं जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं जाएगा। ये तो फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट पे खरीदा है, तो फिक्स्ड एसेट को अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो वो इन सातों में से किसी कैटेगरी में जाएगा ही नहीं, तो वो सिर्फ जर्नल प्रॉपर बचता है। तो जर्नल प्रॉपर में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रणवीर सिंह, राइट। ये था आपका सब्सिडियरी बुक्स का कॉन्सेप्ट। तो जितनी भी परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश वगैरह के ट्रांजैक्शंस है वो इन रिस्पेक्टिव बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है साल के एंड में, साल के एंड में ये तो देखो ये जर्नल के पार्ट्स है ना, ये जो सब्सिडियरी बुक्स है ये तो जर्नल के पार्ट्स है ना। तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो जर्नल से इसकी लेजर पोस्टिंग भी होगी, है ना, जर्नल से इसकी लेजर पोस्टिंग भी होगी। तो देखो क्या होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं परचेजेस बुक के बारे में अगर बात करूं, बाकी सारी बुक्स का बिल्कुल सेम है, मैं अगर परचेजेस बुक के बारे में बात करूं, यह है मेरी परचेजेस बुक, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स और सारी डिटेल्स वगैरह कुछ होती हैं, अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यह है अमाउंट, साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उन सब को यहां परचेजेस बुक में लिखते गए, और साल के एंड में परचेजेस का टोटल देख लिया। ये सपोज आ गया 5 लाख रुपए, ठीक है, ये टोटल आ गया सपोज 5 लाख रुपए। तो अब जब परचेजेस अकाउंट बनेगा
अब जब परचेजेस अकाउंट बनेगा, अब जब परचेजेस अकाउंट बनेगा तो यहां पर हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक अमाउंट में 5,00,000 रुपए। डन, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेजर में भी वही सारी चीजें लिखने लग जाओगे तो वॉल्यूमिनस तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वैसे भी हो ही जाएंगे, ठीक है। आपने बस जर्नल से हटा के परचेजेस बुक में वही वही सारी एंट्रीज की, उसके बाद फिर आपने लेजर में वही वही सारी एंट्रीज कर दी, तो फायदा क्या हुआ। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोग परचेजेस बुक में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस लिखते रहेंगे। यहां पर डेट लिख देंगे, सपोज 1 अप्रैल 2018 गुप्ता एंड सन्स से कुछ खरीदा 10,000 रुपए का माल, ठीक है। फिर 30 जून 2018 को हम लोगों ने खरीदा श्रेया एंड डॉटर्स, श्रेया एंड डॉटर्स इससे हम लोगों ने माल खरीदा सपोज 4,90,000 रुपए का, ठीक है। तो साल भर में टोटल माल हमारा 5,00,000 रुपए का आ गया। अब इसको परचेजेस अकाउंट में हम लोग कैसे दिखाएंगे, सिर्फ टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक या टू अमाउंट एज पर परचेजेस बुक, और यहां पर आएगा 5,00,000 रुपए, ये आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन 5,00,000 रुपए, आपका परचेजेस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये गुप्ता एंड सन्स का अकाउंट बनेगा और श्रेया एंड डॉटर्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो गुप्ता एंड सन्स का अकाउंट बनेगा और यहां पर हम लोग लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट, कितना 10,000, और श्रेया एंड डॉटर्स का अकाउंट बनेगा और यहां हम लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट 4,90,000 रुपए, ठीक है। गुप्ता एंड सन्स का भी अकाउंट बनेगा, श्रेया एंड डॉटर्स का भी अकाउंट बनेगा, इनका बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में यहां पर आ जाएगा टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, तो ये गुप्ता भी आ गया इसमें और श्रेया भी आ गई इसमें, ठीक है ना। तो ये आपकी इस तरह से सब्सिडरी बुक्स का काम किया जाता है। और कैश बुक के बारे में, कैश बुक की फंक्शनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पर कैश बुक के बारे में हम लोगों के पास पूरी नेक्स्ट यूनिट है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। कैश बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। बाकी ये जो है, बाकी पॉइंट 2 to 0.8 ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है सर। तो सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। जर्नल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैश बुक, परचेजेस बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें सारे क्रेडिट परचेजेस, इसमें सारे क्रेडिट परचेजेस के रिटर्न्स, इसमें सारे क्रेडिट सेल्स, इसमें सारे क्रेडिट सेल्स के रिटर्न्स, इसमें सारे बिल्स रिसीवेबल, इसमें सारे बिल्स पेबल, और जो ऊपर किसी में भी नहीं हो पाता है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। साल के एंड में जब उनको इनकी लेजर पोस्टिंग की बारी आती है तो लेजर पोस्टिंग में हम लोग लिखते हैं टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक। अगर यहीं पर सेल्स होता तो यहां पर सेल्स अकाउंट होता तो यहां लिखते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन यहां पर आ जाता। लेकिन हाँ, जो दूसरी पार्टीज हैं उनके पूरे पूरे अकाउंट्स बनेंगे, सिंपल। चलो ये वाला चैप्टर अब एक बार इससे देख लेते हैं, बुक में जो दिया हुआ है उससे देख लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट 4 है आपकी सब्सिडरी बुक्स। इन ऑर्डर टू अवॉइड मेकिंग द जर्नल वॉल्यूमिनस, इट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स कॉल्ड द सब्सिडरी बुक्स। ईच सब्सिडरी बुक इज डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिकॉर्डेड इन दैट बुक ओनली, राइट। द 8 टाइप्स ऑफ बुक्स अलॉन्ग विद द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड देयरिन आर गिवन बिलो। तो कौन कौन सी 8 टाइप की होती हैं, कैश बुक, परचेजेस बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, परचेजेस बुक में सारी क्रेडिट परचेजेस वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, परचेजेस रिटर्न बुक में सिर्फ रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेजेस वाले होते हैं, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न बुक में रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स, बिल्स रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल वाले सारे ट्रांजैक्शंस, बिल्स पेबल बुक में बिल्स पेबल वाले सारे ट्रांजैक्शंस, और इसके बाद अगर कुछ बच जाता है, इसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत जान बच जाए तो खुद के लिए, एनीवे, तो इसके बाद जो कुछ बच जाता है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो अब सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। कैश बुक हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो पूरी की पूरी कैश बुक से ही डेडिकेटेड है, कैश बुक के लिए डेडिकेटेड है, तो कैश बुक को तभी डिस्कस कर लेंगे। परचेजेस बुक
सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए बनती है। परचेजेस बुक का एक ये क्वेश्चन देखते हैं। रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग। तो 2016 फरवरी के ट्रांजैक्शन से पहला ट्रांजैक्शन है परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी, या अच्छा ये 1, 2, 3, 4 नहीं है, डेट है, डेट फरवरी 1, फरवरी 2, फरवरी 3, फरवरी 4, फरवरी 5, ठीक है ना। चलो तो इसमें ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर है नहीं, तो इसलिए इसके सॉल्यूशंस मैंने बुक में ही दे दिए हैं, तो इसमें हम लोगों को कुछ लिखना नहीं है। आई जस्ट शो यू हाउ दीज बुक्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन देखो, अगर तो 1 फरवरी को परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, तो अगर क्रेडिट परचेज किया हुआ है तब तो ये परचेजेस बुक में जाएगा ही जाएगा। 5 ग्रॉस पेंसिल्स at ₹100 per ग्रॉस, 1 ग्रॉस रजिस्टर्स at ₹240 per dozen, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस इज 12 dozens, ठीक है। आप लोग लिखना चाहो तो अपनी बुक में लिख दो, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 dozens। एक डजन में 12 यूनिट्स होती हैं, 12 दर्जन मिलके बनाता है एक ग्रॉस, ठीक है। तो 5 ग्रॉस पेंसिल्स का क्या मतलब हुआ? 5 × 12 × 12, 5 ग्रॉस मतलब 5 × 12 dozens, 12 dozens मतलब 12 × 12 units, ठीक है ना। तो 5 × 12 × 12, खैर उससे मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर यूनिट में ही हम लोगों को जो रुपीस दिया हुआ है वो पर ग्रॉस दिया हुआ है, राइट। तो 5 ग्रॉस पेंसिल्स at ₹100 per ग्रॉस, तो ₹500 यहां पर खर्च हुए, मतलब ₹500 से क्रेडिट किया। 1 ग्रॉस रजिस्टर्स at ₹240 per dozen, ठीक है, 12 डजन है तो 12 × 240 करेंगे यहां पर, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब इसी को मैं दिखाता हूं सॉल्यूशन में किस तरह से है। चलो इसका सॉल्यूशन देखो, परचेजेस बुक का ये फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, और फिर इस वाले कॉलम में कोई भी कैलकुलेशंस या डिटेल्स वगैरह कुछ भी होती हैं वो लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेजर फोलियो, और उसके बाद आता है हमारा अमाउंट का कॉलम मेन, ठीक है। तो 1 फरवरी को ये रहा ट्रांजैक्शन, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, 5 ग्रॉस पेंसिल्स at ₹100 per ग्रॉस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, ठीक, 5 ग्रॉस पेंसिल्स at ₹100 per ग्रॉस, ये आ गया ₹500, ठीक है। 1 ग्रॉस रजिस्टर्स at ₹240 per dozen, तो ये आ गया ₹2880। इसको आप लोग अगर चाहो तो कैलकुलेशन में यहाँ पर ऐड कर सकते हो, 240 into 12, ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हो। ये तो बहुत सिंपल है, 5 × 100, 5 ग्रॉस पेंसिल्स ₹100 per ग्रॉस, और ये 1 ग्रॉस रजिस्टर into ₹240 per dozen, तो 240 × 12 करना पड़ेगा आपको, तब जाके एक ग्रॉस की कॉस्ट निकल के आएगी, विच कम्स टू 2880 रुपीज, राइट। उसके बाद ये टोटल आ जाएगा 3380, और ये देखो लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो फिर हम लोग कर देंगे लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 338 रुपीज, और जो भी नेट फिगर आएगी 3042 रुपीज, ये हमारी अमाउंट के कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, 2 फरवरी को क्या हुआ है, परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स at ₹300 per dozen। तो ये तो कैश परचेज हो गई, कैश परचेजेस जो है वो हमारी परचेजेस बुक का पार्ट तो बनती नहीं है, राइट। तो इसको हम लोग परचेजेस बुक में एंटर नहीं करेंगे। तो देखो यहां पर नोट में दिया भी हुआ है, द ट्रांजैक्शन ऑफ फरवरी 2 विल नॉट बी एंटर्ड इन द परचेजेस बुक एज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर इट विल बी एंटर्ड इन द कैश बुक, राइट। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, 3 फरवरी, परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स ऑफिस एंड ऑफिस गुड्स कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर 30,000 रुपीज। तो ये तो उधार पे खरीदा गया, लेकिन क्या ये गुड्स खरीदे गए? नहीं, ये एक फिक्स्ड एसेट खरीदा गया है, एक कंप्यूटर खरीदा गया है, एक टैंजिबल फिक्स्ड एसेट खरीदा गया है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी, परचेजेस अकाउंट इससे अफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। परचेजेस अकाउंट को तो सिर्फ हम लोग तभी डेबिट करते हैं ना अगर हम लोग ने गुड्स परचेज पे खरीदे हो, गुड्स खरीदे हो, ठीक है ना। यहां पर गुड्स नहीं खरीदे, ये एक टैंजिबल फिक्स एसेट खरीदा है, तो इसलिए परचेज अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, और अगर परचेज अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा तो इसकी एंट्री भी परचेजेस बुक में नहीं होगी। इसके लिए भी यहां पर नोट दिया हुआ है, द ट्रांजैक्शन ऑफ फरवरी 3 विल नॉट बी एंटर्ड इनटू द परचेजेस बुक एज इट इज नॉट अ परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, इट इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एंड विल देयरफॉर बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, ठीक है, विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ठीक है।
तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, 5 रेम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट 100 रुपीज पर रेम, 10 रेम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट 150 रुपीज पर रेम, लेस 10% रेट डिस्काउंट। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कंपनी का नाम, द पेपर कंपनी, 5 रेम्स व्हाइट पेपर एट 100 रुपीज पर रेम, 500 रुपए इधर आ गया, फिर 10 रेम्स रूल्ड पेपर एट 150 रुपीज पर रेम, 1500 रुपए इधर आ गया, इन दोनों का टोटल 2000 रुपए ये आ गया, लेस 10% रेट डिस्काउंट 200 रुपए ये आ गया, और आउटर कॉलम में आ गया 1800 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट 5th February में परचेज 1 dozen जेल पेन्स एट 15 रुपीज ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो अब जेल पेन्स है ये भी खरीदनी होगी, ये भी यहां पर हम लोग एंटर करेंगे, स्टेशनरी की शॉप है, समझ में आ ही रहा है। तो परचेज 1 dozen जेल पेन्स एट 15 रुपीज ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, तो यहां पर आ जाएगा मेसर्स वर्मा ब्रदर्स, 1 dozen जेल पेन्स एट 15 रुपीज ईच, तो 15 × 12 करके 180 रुपीज आ गया, कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं था, तो आउटर कॉलम में अमाउंट वाले कॉलम में 180 रुपीज आ जाएगा, और फिर अमाउंट वाले कॉलम का हम लोग टोटल ले लेंगे विच कम्स टू 5022 रुपीज, और उसके बाद परचेज अकाउंट बनाएंगे। ये तो परचेजेस बुक बन गई, फिर पीरियड के एंड में विल मेक अ परचेज का लेजर अकाउंट, और उसमें हम लोग लिखेंगे टू अमाउंट एज पर परचेजेस बुक या टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक 5022 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो यहां पर हम लोगों को परचेजेस बुक तो बनानी ही बनानी है, साथ में हम लोगों को लेजर अकाउंट में पोस्टिंग भी करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, इसको आओ देख लेते हैं। यहां पर थोड़ी डिटेल्ड परचेज बुक दी हुई है, हम लोगों ने जो ऊपर क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन इससे पहले किया था, वहां पर एक सिंपल परचेजेस दी हुई थी, सिंपल परचेजेस बुक दी हुई थी, उसमें कॉलम के इतने सारे, उसमें अमाउंट के इतने सारे कॉलम्स नहीं थे। ठीक है, सिंपली एक डिटेल्स का कॉलम था और एक टोटल अमाउंट का कॉलम था, इसके अलावा और बाकी इतने सारे कॉलम्स नहीं थे। यहां पर एक डिटेल्ड परचेजेस बुक दी हुई है, तो जब भी हमारे पास हर ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं, तो हम लोग ये वाली परचेजेस बुक भी बना सकते हैं, राइट। तो आओ इसको देखते हैं कैसे बनी है ये। सबसे पहले 4th अप्रैल को परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली, 100 dozen रेक्सोना हवाई चप्पल एट 120 रुपीज पर डजन, 200 dozen पालकी लेदर चप्पल एट 300 रुपीज पर डजन, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट चार्ज 150 रुपीज। ठीक है, तो अजय एंटरप्राइजेस से हम लोगों ने खरीदा, आओ इसको देखते हैं। तो 2017 अप्रैल 4 हम लोग यहां पर लिख देंगे अजय एंटरप्राइजेस, फिर नीचे लिखेंगे 100 dozen चप्पल एट 120 रुपीज पर डजन, जिसका टोटल आ जाएगा 12,000 रुपए, उसको हम लोग यहीं पर लिख देंगे। फिर 200 dozen पालकी लेदर चप्पल एट 300 रुपीज पर डजन, ये आ गया 60,000 रुपीज, और लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो इन कॉलम्स में किस तरह से अमाउंट फिल किया जा रहा है, ये देखो ग्रॉस अमाउंट में ये 12,000 प्लस ये 60,000 और ये 72,000 रुपीज यहां पर आ गया ग्रॉस अमाउंट में। ठीक, ग्रॉस अमाउंट में आ गया ये 12,000 प्लस ये 60,000, तो ये आ गया 72,000। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट वाले कॉलम में हम लोगों ने इसका 10% निकाला 7,200, तो इसको यहां पर माइनस किया, तो नेट प्राइस हमारा निकल के आया 72,000 माइनस 7,200, 64,800 रुपीज। ठीक, उसके बाद फ्रेट में 150 रुपए चार्ज किया था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 150 रुपए फ्रेट चार्ज किया, तो फ्रेट में 150 रुपीज हम लोगों ने लिखा और टोटल अमाउंट में हमारा आ गया 64,800 प्लस 150 यानी 64,950। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक डिटेल्ड परचेजेस बुक बनी है, या इसको बोल दो आप एनालिटिकल परचेजेस बुक बनी हुई है। ठीक है, इसकी अगर मैं एक सेकंड के लिए जर्नल एंट्री की बात करूं, इसी ट्रांजैक्शन में अगर मैं एक सेकंड के लिए जर्नल एंट्री की बात करूं, तो मैं क्या करूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट मैं कितने से करूंगा, 72,000 से डेबिट करूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट जो मिलता है उसको तो रिकॉर्ड करते नहीं है हम लोग, ये हम लोग बहुत अच्छे से कर ही चुके हैं। तो परचेजेस अकाउंट मेरा डेबिट होगा 64,800 रुपीज से, टू अजय एंटरप्राइजेस मेरा कितने से क्रेडिट होगा, 64,950 से। ठीक है, और ये जो फ्रेट वाला खर्चा है मेरा 150 रुपए, ये भी मेरा डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 64,800, फ्रेट अकाउंट डेबिट 150 रुपीज, टू अजय एंटरप्राइजेस 64,950 रुपीज। ठीक है, तो जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तब इसकी रेलेवेंस समझ में आएगी, अभी बस इस तरह से देख लो कि परचेजेस बुक किस तरह से बनी है, राइट। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं,
परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, 50 डजन मैक्स शूज एट 400 रुपीज पर डजन, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट 140 रुपीज पर पेयर, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, फ्री चार्ज 200 रुपए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, उसके बाद 50 डजन मैक्स शूज एट 400 रुपीज पर डजन, तो ये आ गया 20,000 रुपीज, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट 140 रुपीज पर पेयर, तो ये आ गया 14,000 रुपए। 20,000 प्लस 14,000 मिलके आ गया ग्रॉस अमाउंट 34,000 रुपए। 10% ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों ने यहां लिख दिया 3,400, नेट प्राइस आ गया 30,600, 200 रुपए का फ्रेट चार्ज था, तो टोटल अमाउंट आ गया 30,800 रुपीज। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी ऐसा ही है, परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, 40 पेयर लेदर शूज एट 400 रुपीज पर पेयर, 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट 180 रुपीज पर डजन, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट चार्ज 100 रुपए। तो यहां पर हम लोग कर देंगे तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, 40 पेयर लेदर शूज एट 400 रुपीज पर पेयर 16,000, 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट 180 रुपीज पर डजन, तो 18,000, 16,000 प्लस 18,000 मिल के आ गया 34,000 रुपए, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 3,400, तो ये आ गया आपका 30,600 रुपए, 100 रुपए का फ्रेट चार्ज है, तो 30,700 रुपए आपका टोटल अमाउंट आ जाता है। ठीक है, अब लेजर अकाउंट्स में देखते हैं कैसे है। सबसे पहले तो परचेजेस अकाउंट बना लेते हैं, तो परचेजेस अकाउंट का जो नेट ये फिगर है परचेजेस बुक की 1,26,000 रुपीज, इसको हम लोग लिख देंगे परचेजेस अकाउंट में। इस वाले अमाउंट को क्यों लिखेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करते नहीं है और फ्रेट के लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा हमारा 1,26,000 रुपीज से। तो देखो कैसे बनाया, परचेजेस अकाउंट में फॉर्मेट बिल्कुल वही है, बस यहां पर हम लोग डेट में लिख देंगे 30th अप्रैल को, यानी पीरियड के एंड में हम लोग इस फिगर को लिख देंगे टू अमाउंट एज पर परचेजेस बुक 1,26,000 रुपीज। तो अननेसेसरीली जो बड़ा सा परचेजेस का भी लेजर बन जाता, वो चीज हमारी यहां पर अवॉइड हो गई है। ठीक है, वो चीज हमारी यहां पर अवॉइड हो गई है। तो यह यहां पर आप लोग लिख दो टू अमाउंट एज पर परचेजेस बुक या टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, तो यह आ जाएगा 1,26,000 रुपए। ठीक है सर, फ्रेट अकाउंट भी इसी तरह से बन जाएगा, टू अमाउंट एज पर परचेजेस बुक 450 रुपए, ये देखो 450 रुपए, ये फ्रेट वाले कॉलम का टोटल ये रहा 450 रुपए, तो ये भी हो गया। उसके बाद अजय एंटरप्राइजेस, अब अजय एंटरप्राइजेस में क्या ट्रांजैक्शन था, ये देखो परचेजेस बुक में 4th अप्रैल को अजय एंटरप्राइजेस का ट्रांजैक्शन था, तो 4th अप्रैल को अजय एंटरप्राइजेस के लेजर अकाउंट में तो एंट्री होगी। कैसे एंट्री होगी, बाय परचेजेस अकाउंट 64,800, बाय फ्रेट अकाउंट 150 रुपीज। ठीक है, 64,800 रुपीज यहां से आया, ये आया 64,800 रुपीज, फ्रेट आया 150 रुपए, तो ये अजय एंटरप्राइजेस में हम लोगों ने डाल दिया। फिर बालाजी ट्रेडर्स में क्या होगा, बाय परचेजेस अकाउंट 30,600 होगा, बाय फ्रेट अकाउंट 200 रुपए होगा। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखो बालाजी ट्रेडर्स में भी बाय परचेजेस अकाउंट 30,600, ये रहा 30,600, फ्रेट 200, तो ये बाय फ्रेट अकाउंट 200 रुपीज, बाय फ्रेट अकाउंट 200 रुपीज। ठीक है, तृप्ति इंडस्ट्रीज में क्या होगा, बाय परचेजेस 30,600 और बाय फ्रेट 100 रुपीज। तो अब यहां पर देख लेते हैं, तृप्ति इंडस्ट्रीज में बाय परचेजेस 30,600, बाय फ्रेट अकाउंट 100 रुपीज। ठीक, तो इस तरह से हमारी एनालिटिकल परचेजेस बुक या डिटेल्ड परचेजेस बुक बन गई, और जो लेजर की पोस्टिंग है वो भी सारी हो गई। अब इसे आप लोग एक बार देख लेना, तो उसके बाद फिर रिविजन भी हो जाएगा, चाहो तो एक बार लिख के भी इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, परचेजेस बुक तो हो गई, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन द परचेजेस रिटर्न बुक। यू माइट बी वंडरिंग वेयर द ट्रांजैक्शन ऑफ रिटर्न ऑफ कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड, तो सर दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, एट द एंड ऑफ अ पीरियड द टोटल ऑफ परचेजेस रिटर्न बुक इज ट्रांसफर टू द परचेजेस रिटर्न अकाउंट बाय राइटिंग बाय सन्ड्रीज एज पर परचेजेस रिटर्न बुक। परचेजेस बुक जब हम लोग बनाते थे तो परचेजेस अकाउंट में हम लोग लिखते थे टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक या टू अमाउंट एज पर परचेजेस बुक, तो परचेजेस रिटर्न बुक में जब भी हम लोग परचेजेस रिटर्न बुक बनाएंगे तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेजेस रिटर्न बुक या बाय सन्ड्रीज बाय अमाउंट एज पर परचेजेस रिटर्न बुक। ठीक है, क्योंकि जब भी परचेज रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, राइट।
और बाय अमाउंट एज पर परचेजेस रिटर्न बुक ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो परचेजेस रिटर्न बुक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें सारी की सारी क्रेडिट परचेजेस वाली रिटर्न्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अभी के कॉन्सेप्ट है आपके पास डेबिट नोट का, तो चलो डेबिट नोट समझते हैं कि डेबिट नोट क्या होता है। ठीक है, अगर मैं कहीं से किसी सप्लायर से माल खरीदता हूं, सपोज एक सप्लायर है मेरा राम, ठीक है, और मैंने राम से कुछ माल खरीदा, तो मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। सपोज मैंने 50,000 का माल खरीदा, यही एंट्री पास करूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, जर्नल एंट्री मेरी यही पास होगी। तो जब मैं किसी सप्लायर से माल खरीद रहा हूं तो मैं उस सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं, राइट। अब सपोज मैंने 20,000 का माल राम को वापस बेच दिया, अगर बेचा नहीं मतलब वापस भेज दिया, मैंने परचेजेस का रिटर्न कर दिया, तो अब मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा? राम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 20,000। ठीक है ना, यही होगी जर्नल एंट्रीज। जब मैंने राम से उधार पे माल खरीदा तो मैंने किया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, और जब मैंने ये उधार पे खरीदा हुआ माल राम को वापस कर दिया तो मैंने जर्नल एंट्री पास की राम अकाउंट, राम डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, राइट। तो जब भी माल वापस किया जा रहा है, जब माल वापस किया जा रहा है तो सप्लायर के अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। ठीक है ना, जब सप्लायर को माल वापस किया जा रहा है तो सप्लायर के अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। तो जब हम फिजिकली इस स्टॉक को राम के पास वापस भेजेंगे, जब हम 20,000 का माल राम के पास वापस भेजेंगे, तो हम साथ में उसको एक नोट देंगे, साथ में उसको एक नोट देंगे, उस नोट को बोलेंगे डेबिट नोट। क्यों डेबिट नोट? हम उस नोट के जरिए राम को बताएंगे कि राम मैंने तुम्हारा अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर दिया है 20,000 रुपए से। हम उस नोट के जरिए राम को बताएंगे कि राम मैंने आपका अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20,000 रुपए से डेबिट कर दिया है। तो मैं आपको ये नोटिस दे रहा हूं, मैं आपको ये नोट दे रहा हूं कि मैंने आपका अकाउंट अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं डेबिट नोट। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डेबिट नोट। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जब भी किसी सप्लायर से खरीदा हुआ माल उसे वापस किया जाता है, जब भी किसी सप्लायर से खरीदा हुआ माल उसे वापस किया जाता है, तो जर्नल एंट्री पास होती है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, सप्लायर के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो माल के साथ साथ मैं उस सप्लायर को एक नोट भेजता हूं, और उस नोट पे लिखा रहता है कि राम मैंने आपका अकाउंट, या कोई भी सप्लायर, एक्स वाई जेड सप्लायर, मैंने आपका अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर दिया है, हेंस डेबिट नोट। मैंने नोट करके उसको, मैंने नोट दे के उसे बताया कि आपका अकाउंट मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर चुका हूं। ठीक है, तो जो परचेजेस रिटर्न बुक हम लोग बनाते हैं वो हम इन डेबिट नोट्स की मदद से बनाते हैं, वो हम इन डेबिट नोट्स की मदद से बनाते हैं। जो भी परचेजेस रिटर्न बुक हमारी बनती है वो ये डेबिट नोट्स की मदद से बनाई जाती है। ठीक है, राइट। चलो अब इसको देखो क्या लिखा है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, इट डेबिट्स अ परचेजेस अकाउंट एंड क्रेडिट्स अ सप्लायर्स अकाउंट, राइट। When the organization returns the purchased goods, it debits the supplier's account and credits the purchaser's returns account. देखा हमने। Therefore, on return of the purchased goods, जब purchased goods वापस भिजवाए जाते हैं, the supplier's account is debited. ठीक है? तो when the goods are returned to the supplier, जब goods भिजवाए जाते हैं, a note is sent along with the goods stating that the organization has debited the concerned supplier's account. Right? Such a note is known as debit note. Such a note is known as debit note. A purchases returns book is prepared with the help of debit notes. ठीक, purchases return book debit notes की मदद से बनाई जाती है। ठीक है, चलो अब ये एक RTP का question है, May 2019 की RTP का question है, इसको देखते हैं। From the following transactions, prepare the purchases return book of Alpha and Company, a sari dealer, and post them to ledger. ठीक है, date दिए हुए है, डेबिट नंबर, डेबिट नोट का नंबर दिया हुआ है और पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। तो 4th January 2018 को 101 डेबिट नोट पे आता है रिटर्न टू गोयल मिल्स सूरत 5 पॉलिएस्टर साड़ीज ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो, परचेजेस रिटर्न बुक दी हुई है, डेट में January 4, डेबिट नोट नंबर 101, गोयल मिल्स सूरत, और ये 500 रुपये आ गया यहाँ पर। ठीक है, 9th January को क्या हुआ है,
गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न्स ऑफ साड़ीज विच वर परचेज फॉर कैश, 5 कोटा साड़ीज। तो ये तो कैश में खरीदी गई थी साड़ीज, तो अगर कैश में कोई चीज खरीदी जाती है और उसको रिटर्न करते हैं तो वो परचेजेस रिटर्न बुक में तो रिकॉर्ड होगी नहीं, वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगी, राइट। तो ये वाला ट्रांजैक्शन परचेजेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, 16th January, 102 है डेबिट नोट नंबर, रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर, 5 सिल्क साड़ीज ऑफ 260 रुपीज। तो ये भी आ जाएगा, 16th January, 102 डेबिट नोट नंबर है, मित्तल मिल्स बैंगलोर, और 1300 रुपए का अमाउंट आ गया टोटल। 30th January 2018, returned one typewriter being defective at 3,500 rupees to B&N company। तो typewriter तो आपका fixed asset हो गया, tangible fixed asset, तो tangible fixed asset आपका journal proper में जाएगा, right? Purchases book या purchases return book में जाता ही नहीं है ये, ठीक है सर। तो purchases return book तो आपकी बन गई है, अब आओ देखो कि ये posting कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग purchases return account बनाएंगे, तो purchases return का जो purchases return book का जो total है 1,800 रुपए, इसी को हम लोग purchases return account में credit side में यहाँ पर लिख देंगे 31st January को, by sundries as per purchases return book 1,800 रुपए, ठीक है। और गोयल मिल्स और मित्तल मिल्स के अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी, तो कैसे होगी देखो, गोयल मिल्स में डेबिट में 4th January को 2 purchases return account 500 रुपए, और मित्तल मिल्स में 16th January को 2 purchases return account 1,300 रुपए, सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ICAI स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। रिटर्न आउटवर्ड बुक दी हुई है, रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब होता है परचेजेस रिटर्न, ठीक है। रिटर्न्स आउटवर्ड बुक दी हुई है और कह रहा है पोस्ट द फॉलोइंग इनटू लेजर, तो ठीक है भाई। सबसे पहले तो ये जो अमाउंट है 280 रुपीज, ये आपके उसमें आ जाएगा, रिटर्न्स आउटवर्ड वाले अकाउंट में आ जाएगा। तो ये देखो, रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट 2017 नवंबर 30 बाई सनरीज एज पर रिटर्न्स आउटवर्ड बुक 280 रुपीज। फिर राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, ये पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स 136 इंच उषा सीलिंग फैन लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो इसमें राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स में कितना जाएगा, 180 रुपए जाएगा, 20 रुपए तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, तो राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स में जाएगा टू रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट 180 रुपीज। सिमिलरली मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चला जाएगा 100 रुपए, तो मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी डेबिट हो जाएगा टू रिटर्न आउटवर्ड 100 रुपए, ठीक है। जो रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट है उसमें तो महीने की लास्ट वाली डेट होगी, और जितने बाकी के ये जो सप्लायर अकाउंट्स हैं इनमें तो उसी डेट पे पोस्टिंग होगी जिस डेट का ट्रांजैक्शन था, ठीक है सर, कूल। फिर आ जाती है हमारी सेल्स बुक, ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। यू माइट बी वंडरिंग वेदर ट्रांजैक्शन ऑफ कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड, दे आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एट द एंड ऑफ अ पीरियड द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज ट्रांसफर टू द सेल्स अकाउंट बाय राइटिंग बाय सनरीज एज पर सेल्स बुक और बाय अमाउंट एज पर सेल्स बुक ऑन द क्रेडिट साइड। तो जब भी सेल्स का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय सनरीज एज पर सेल्स बुक, ठीक है। अब देख लो इसको भी कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इससे सेल्स बुक कैसे बनाई जाती है वो समझ में आएगा, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन ऑफ द ईयर 2017 एज पर देयर वेस्ट बुक, मेक आउट देयर सेल्स बुक। वेस्ट बुक मतलब वही रफ बुक, ठीक है। तो सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट 30 शर्ट्स एट 800 रुपीज पर शर्ट, 20 ट्राउजर्स एट 1,000 रुपीज पर ट्राउजर लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये किशोर एंड सन्स मेक आउट द सेल्स बुक, ठीक है। तो मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा, डेट में 2017 आ जाएगी, किस डेट का पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो दिया नहीं है, तो बस ऐसे लिख देंगे मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा 30 शर्ट्स एट 100 रुपीज एट 800 रुपीज, डिटेल्स में आ गया 24, 20 ट्राउजर्स एट 1,000 रुपीज, तो ये आ गया 20,000, टोटल आ गया 44,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 4,400 रुपए। तो इसका जो टोटल आ गया 44,000 माइनस 4,400 करके आ गया 39,600 रुपीज, सेल एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड जो भी, ठीक है। ये भी हम लोग नीचे लिख देंगे, ये आप परचेजेस बुक में भी लिख सकते हो, ये इंस्टीट्यूट ने जिस तरह से दिया है मैंने उसका सोल्यूशन बिल्कुल वैसे का वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेल एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड जो भी डेट रहेगा वो आप लिख सकते हो, इनवॉइस नंबर भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम लोग इनवॉइस नंबर लिख देते। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सहगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 8,000 रुपए, ठीक है।
तो अब ये तो फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। अगर फिक्स्ड एसेट हो जाएगा तो ये आपकी सेल्स बुक में जाएगा नहीं, ये आपका उसमें जाएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा, क्योंकि फर्नीचर क्रेडिट पे बेचा गया है। ठीक है, कैश पे बेचा गया होता तो कैश बुक में चला जाता। सोल्ड 50 शर्ट्स ऑफ मेसर्स जैन एंड सन्स एट 800 रुपीज पर शर्ट, तो ये आएगा आराम से यहाँ पर, मेसर्स जैन एंड सन्स 50 शर्ट्स एट 800 रुपीज, सेल एज पर इनवॉइस नंबर जो भी, डेटेड जो भी, तो ये आ गया 40,000 रुपीज यहाँ पर। नेक्स्ट, सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट 750 रुपीज ईच फॉर कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, सेल्स बुक में आएगा नहीं, कैश बुक में जाएगा। नेक्स्ट, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन 100 शर्ट्स एट 750 रुपीज पर शर्ट, 10 ओवरकोट्स एट 5,000 रुपीज पर ओवरकोट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, तो ये भी आ जाएगा, मेसर्स माथुर एंड जैन 100 शर्ट्स एट 750, 10 ओवरकोट्स 5,000, टोटल लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर जो भी, डेटेड जो भी, 112,500 ये आ गया इधर, तो इसका टोटल आ गया 192,100 रुपीज। ठीक है, टोटल आ गया 192,100 रुपीज। नोट, कैश सेल्स एंड सेल ऑफ फर्नीचर विल नॉट बी एंटर्ड इन द सेल्स बुक, ये हमें पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी मई 2018 की आरटीपी का क्वेश्चन है, नवंबर 2018 के एमटीपी में दो नंबर का पूछा हुआ है। क्या है, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। तो ये तो साफ जाहिर सी बात है, गलत है। सेल्स बुक में तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश सेल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते नहीं है। ठीक, फॉल्स, द सेल्स बुक इज अ रजिस्टर स्पेशली केप्ट टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म, कैश सेल्स आर एंटर्ड इन द कैश बुक एंड नॉट इन द सेल्स बुक। ठीक, फिर नेक्स्ट आती है हमारी सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इन वर्ड बुक। ठीक है, तो क्रेडिट सेल को क्रेडिट सेल के रिटर्न के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। You might be wondering where the transactions of return of cash sales are recorded. They are recorded in the cash book. At the end of a period, the total of the sales return book is transferred to the sales return account by writing to sundries as per sales return book or to amount as per sales return book on the debit side. So, जब भी sales return वाला transaction होता है, तो sales return account debit किया जाता है. तो sales return account के debit side में हम लोग लिखेंगे to sundries as per sales return book या to amount as per sales return book. ठीक है? अब देखते हैं क्रेडिट नोट क्या होता है। तो डेबिट नोट में हम लोगों ने देखा था कि जब भी क्रेडिट पे खरीदा हुआ माल हम सप्लायर को वापस करते थे तो माल के साथ साथ एक नोट भेजते थे, ये बताते हुए कि हमने आपके अकाउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्रेडिट नोट क्या होता है। देखो, ये डेबिट नोट वाला था, इसे मैं हटा देता हूं। अगर मैंने किसी को माल बेचा, उधार पे बेचा, सपोज राम को मैंने माल बेचा, या राम छोड़ दो, लक्ष्मण ले लेते हैं। ठीक है, लक्ष्मण को मैंने अगर उधार पे माल बेचा तो मैं क्या करूंगा, लक्ष्मण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, लेट्स से 50,000। ठीक है, लक्ष्मण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपीज। अब अगर इन्होंने मेरे को माल वापस किया तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण, 20,000 का सपोज वापस कर दिया। ठीक है, तो जब ये लोग माल मेरे को वापस करते हैं तो मैं कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करता हूं। जब कोई भी कस्टमर जिसको मैंने उधार पे माल बेचा था, अगर वो मुझे उधार पे लिया हुआ माल वापस करता है तो मैं उसके अकाउंट को क्रेडिट करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही माल मेरे पास वापस आ जाता है मैं एक नोट भेजता हूं अपने कस्टमर को, ये बताते हुए कि अब मैं आपका अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कर चुका हूं, अब मैं आपका अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कर चुका हूं। ठीक है, तो बस यही होता है क्रेडिट नोट, क्योंकि इस नोट से बताया जाता है कि हम आपके अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हैं, तो ये हो जाता है मेरा क्रेडिट नोट। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, जब किसी कस्टमर को मैंने उधार पे माल बेचा तो मैंने जर्नल एंट्री पास की कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, जब वो कस्टमर मेरे को खरीदा हुआ माल वापस करता है, सेल्स रिटर्न करता है क्रेडिट वाला, तो मैं जर्नल एंट्री पास करता हूं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। इसके बाद मैं उसको एक नोट भेजता हूं ये बताते हुए कि मैं आपका अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कर चुका हूं। तो क्योंकि ये नोट बताता है कि हम आपके अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हैं, इस नोट को बोला जाता है क्रेडिट नोट। ठीक है, क्रेडिट नोट की मदद से सेल्स रिटर्न बुक बनती है।
डेबिट नोट के डेबिट नोट्स की मदद से परचेजेस रिटर्न बुक बनती है, क्रेडिट नोट्स की मदद से सेल्स रिटर्न बुक बनती है। ठीक है, आओ देख लेते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, इट डेबिट्स द कस्टमर्स अकाउंट एंड क्रेडिट्स द सेल्स अकाउंट। व्हेन द गुड्स सोल्ड आर रिटर्न्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट डेबिट्स द सेल्स रिटर्न्स अकाउंट एंड क्रेडिट्स द कस्टमर्स अकाउंट। देयरफॉर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड द कस्टमर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। When the goods are returned by the customer, a note is given to the customer stating that the organization has credited the concerned customer's account. Such a note is known as credit note. A sales return book is prepared with the help of credit notes. ठीक है? अभी एक question देखते हैं। ये आपकी RTP 2019, May 2019 की RTP का question है। State whether the following statement is true or false. The debit notes issued are used to prepare the sales return book. तो ये तो फॉल्स है क्लियरली। डेबिट नोट से तो परचेजेस रिटर्न बुक बनती है, सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन फॉल्स। द डेबिट नोट्स आर इशूड, द डेबिट नोट्स इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर द परचेजेस रिटर्न बुक। ठीक, फिर देखते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक। तो बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे बिल्स रिसीवेबल बुक में नोट किए जाते हैं। बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे बिल्स पेबल बुक में नोट किए जाते हैं। ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जब उसमें पहुंचेंगे तब देखा जाएगा इसको। फिर लास्ट बुक हमारी होती है जर्नल प्रॉपर। तो जितने भी ट्रांजेक्शन ये ऊपर की सात बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव बुक्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। टेक फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जो भी अपना क्रेडिटर हो गया, तो ये आप किसी भी बुक में रिकॉर्ड कर नहीं पाओगे, तो ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स, ये सारे के सारे आपके जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री का। क्या होता है कि जब भी कोई पीरियड क्लोज किया जाता है, हम लोगों ने लेजर वाला चैप्टर पढ़ लिया है, लेजर में हम लोगों ने ये देखा है ना कि किसी भी पीरियड के एंड में हर अकाउंट को क्लोज किया जाता है, टू बैलेंस कैरीड डाउन करके या बाई बैलेंस कैरीड डाउन करके सारे अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर पीरियड, राइट। उसके बाद जब नया पीरियड स्टार्ट होता है, जब भी नया पीरियड स्टार्ट होगा तो जो पिछले साल के जो बैलेंसेस बचे हुए थे उन्हें हमें अपनी बुक्स में लाना होता है। तभी हम लोग करते थे ना, कैश अकाउंट का जैसे बैलेंस होता था बाई बैलेंस कैरीड डाउन करके क्लोज होता था और उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉड डाउन नेक्स्ट पीरियड में हम लोग लिखते थे। तो वो जो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होता था वो क्या होता था, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग उस अकाउंट का जो भी पुराना क्लोजिंग बैलेंस होता था उसे लेके आते थे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो लेजर में किस तरह से करते हैं वो तो हम लोगों ने देख लिया है। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से लेके आते हैं और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लेके आते हैं। लेकिन इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्री जो पास की जाती है उसे बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, तो व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर स्टार्टेड फॉर अ न्यू ईयर अ जर्नल एंट्री इज पास टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, एक चीज और, ये जो ओपनिंग जर्नल एंट्री होती है ना ये सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए होती है। ठीक है, कैपिटल ड्रॉइंग्स रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है वो अभी बताएंगे धीरे धीरे। एक्चुअली क्या होता है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले उन लोगों को पता होगा कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो भी बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो कि एट द एंड कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। जिन लोगों ने 11th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है उन लोगों को पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, कायदे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि ओपनिंग बैलेंसेस में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस क्यों नहीं आते। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इसलिए नहीं आता क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के जितने भी बैलेंसेस हैं, परचेजेस हो गया, सेल्स हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। इनके बैलेंसेस हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और जो भी नेट रिजल्ट आता है वो चला जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ड्रॉइंग्स क्यों नहीं होता, क्योंकि ड्रॉइंग्स भी एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बचता हमारे पास सिर्फ एट द एंड वही है, कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स। कैपिटल तो हमारा जो भी बैलेंस हो जाएगा वही हो जाएगा और एसेट्स और लायबिलिटीज के जितने भी बैलेंसेस होंगे उनको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आएंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करते हैं समझ में आएगा। तो व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर स्टार्टेड फॉर अ न्यू ईयर अ जर्नल एंट्री इज पास टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Such a journal entry is called the opening journal entry.
ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेज, डेबिट बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 2015। ये वही वाला है जो लेजर वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, लेजर वाला जो क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन का एक पार्ट लिया हुआ है मैंने, टू एक्सप्लेन यू हाउ द ओपनिंग एंट्रीज पास इन द बुक्स। ठीक है, तो देखो कैश इन हैंड 8,000 रुपीज, कैश एट बैंक 25,000 रुपए, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 20,000 रुपए, बिल्डिंग 10,000 रुपए, ट्रेड रिसीवेबल्स में विजय 2,000 और मधु 2,000। ठीक, क्रेडिट बैलेंसेज में ट्रेड पेबल्स आनंद 5,000 और महेश 55,000। ये दोनों हमारे ट्रेड पेबल्स हैं, ये हमारे क्रेडिट बैलेंसेस हो गए। अब देखो ओपनिंग एंट्री कैसे पास की जा रही है। ये हमारे सारे के सारे एसेट्स हैं और ये हमारी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो देखो कैश इन हैंड का डेबिट बैलेंस था, तो हम लोग अब क्या करेंगे, 1 जनवरी 2015 को, यही था ना डेबिट बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 2015, तो 1 जनवरी 2015 को जितने भी एसेट्स थे उन सबको हम लोग यहां पर डेबिट कर देंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज थी उन्हें हम लोग यहां पर क्रेडिट कर देंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो कैश इन हैंड 8,000 रुपए, 8,000 रुपए था कैश इन हैंड, 8,000 रुपए ये यहां पर आ गया 8,000 रुपए। फिर कैश एट बैंक 25,000 रुपए, तो कैश एट बैंक डेबिट 25,000 रुपए। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 20,000 रुपए, तो इन्वेंट्री ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए। ट्रेड रिसीवेबल्स में विजय 2,000 और मधु 2,000, तो अच्छा बिल्डिंग मिस हो गया मेरे से, बिल्डिंग 10,000, बिल्डिंग 10,000। ठीक है, फिर विजय 2,000 और मधु 2,000, तो ये आ गया विजय अकाउंट, विजय को डेबिट किया 2,000 से और मधु को भी डेबिट किया 2,000 रुपए से। ठीक है, आनंद का क्रेडिट बैलेंस था 5,000, महेश का क्रेडिट बैलेंस था 55,000, तो 2 आनंद कर दिया यहां पर 5,000 रुपए और 2 महेश कर दिया यहां पर 55,000 रुपए। ठीक है, इसका टोटल आ रहा था 67,000, ये जितने भी डेबिट साइड का टोटल था वो आ रहा था 67,000, क्रेडिट साइड का टोटल था 60,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 7,000 रुपीज वो हमारी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपनिंग जर्नल एंट्री पास की जाती है, राइट। और इसको लेजर अकाउंट में किस तरह से दिखाया जाता है वो तो आपको पता ही है। कैश इन हैंड को हम लोग लेजर अकाउंट में दिखाएंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपए, फिर कैश एट बैंक 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 रुपए, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री इस तरह से पास कर ली जाती है। कूल, ओके।